अगर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में लार्जेस्ट माइनॉरिटी का ग्रुप श्रिंक हो रहा है तो कारण ये है कि उसके पीछे जो रिप्रेजेंटेशन है वो अब उस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं रही है। और अगर हम पिछले कुछ सालों के चुनावों को देखें तो मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये तय करने की ताकत उनके वोट बैंक में नहीं रह गई है। ये सिचुएशन जो है वो आज की बन गई है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से उन्हें सुन लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद कीजिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जब ये राजनीतिक कार्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे बेसिक बात आती है आपका नंबर। अगर आपका वोट है, आपकी संख्या है, तो उसमें आपकी शक्ति है। लेकिन अगर आप उस शक्ति को प्रयोग ना करके केवल इस चीज को बैठ के लेके बैठे कोई कि भी हमारी तो शक्ति है तो हमारा हर चीज के पढ़ने के लिए अपनी संख्या के साथ साथ देश में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिवेट करके पॉलिटिकली अपने रोल्स लेने पड़ते हैं, तब आप अपने समुदाय को आगे बढ़ाते हो। केवल संख्या के बिना पे कोई कहे कि हमें उतना ही हक मिलना चाहिए जितना दूसरा मेहनत करने वाले हैं, तो इससे फिर आप पिछड़ते चले जाएंगे। हमारे जो मुस्लिम समुदाय है, इनको जिस वक्त 47 के बाद जब ये आए तो यही इनको एक तरह से धारणा दी गई जो उस वक्त की सरकारें थी, और 60 साल तक इनको यही धारणा दी गई कि आपको क्या चाहिए मिलेगा, क्या चाहिए मिलेगा। वही बात होती रही कि जो उनको चाहिए था जी उनको मिलता रहा है। एज ए स्ट्रगल उनमें से सिर्फ सक्सेसफुल होने वाले चंद लोग थे। उन महापुरुषों का आपने थोड़ी देर पहले नाम ले दिया जिन्होंने कि भारत के सरकार में, भारत की तरक्की में जिन्होंने काम किया है। उसके बाद कोई कहे कि केवल हमारे संख्या के बिना पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, देख दीजिए किसी भी देश में राजनीतिक एक्टिविटी में आपको संख्या नहीं, आगे बढ़ के सहयोग करना पड़ता है और काम लेने पड़ते हैं, जिम्मेवारियां लेनी पड़ती हैं। जिस देश में मैं रहता हूं, इस हमारे देश में तो केवल एक पाकिस्तान से लोग आए थे और आज हम लोग बीजेपी को मुंह खोल खोल के गालियां देते हैं। इस देश में 190 देशों से लोग आके बैठे हैं। जी, किसी ने आके ये नहीं कहा कि हम इतनी संख्या में आए हैं तो हमारा ये हक हो जाना चाहिए। सभी ने आके यहाँ पे देश के साथ सहयोग किया, काम किया, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने हक बनाए। कुछ व्हाइट्स को वोटें मिली, फिर कुछ ब्लैक्स को वोटें मिली, फिर कुछ हिस्पैनिक्स को वोटें मिली। आज आपको पता है निकी हेली जैसी भारत से आई हुई आज वो यहाँ के देश के प्रधान राष्ट्रपति बनने की तैयारी में हो जा रही है। तो गीति केवल संख्या नहीं, अपने आप को अपने बल से, अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत आपको दिखानी पड़ती है। आखिरी बात गीजी देखिए, आज आपको पता है इस देश के जो है जो डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरल ऑस्टिन, ही इज ए ब्लैक। अब अगर ये कहीं कहा जाए कि व्हाइट कहें जी इनको क्यों बना दिया, आज यहाँ पे ब्लैक कभी नहीं ये उठ के कहता कि मेरे को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। हाँ, कंपीट करते हैं व्हाइट्स के साथ, कंपीट करते हैं हिस्पैनिक्स के साथ, खाली नंबर से बात नहीं बनती। आखिरी बात की जी, आज देखिए कितने दुख की बात है, अपने कनाडा में देख लीजिए, कनाडा में हमारा पंजाबी समुदाय कितना बड़ा है संख्या में, लेकिन उनकी संख्या में उसमें देखिए उनकी क्वालिटी कितनी पुअर है। आज ना तो वहां पे उनका कनाडा में सम्मान है, ना हमारे पंजाब में सम्मान है। तो केवल संख्या से नहीं, आपकी दूरदृष्टि भी चाहिए और आपके कर्म कैसे हैं वो भी देखने हैं कि क्या आप देश के लिए कर रहे हो कि केवल अपने लिए कर रहे हो। भारत में गीजी आखिर पे उसी बात पे मैं आके खत्म करूंगा, भारत में हमारे समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, खास तौर पे उनकी यही मंशा थी कि जो कुछ दूसरों के पास है वो भी हमें मिले, लेकिन क्या उसके लिए आपने कोशिश की? आपने उतनी एजुकेशन ली? गीजी ये धारणा जो है ये बीजेपी ने पिछले 10 सालों में थोड़ी तोड़नी शुरू की है कि पाकिस्तान की तरफ देखना बंद करो, ये तुम्हारा देश है, आगे आके बढ़ो। और गीजी
जी आप देखिए अग्निवीर में जब जाते हैं तो वहां धर्म नहीं देखते, आज भी आईएएस आईपीएस में कोई धर्म नहीं देखते, लेकिन पिछली जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इनको ऐसी अफीम की। सर आपने जो बात कही है आपने एक इम्पोर्टेंट, उसकी वजह से ये आज उसमें से निकलने में थोड़ा इनको समय लगेगा और उसमें हमारे जो ओवैसी है बोलते कड़वा है, लेकिन कड़वे में भी वो इतनी सच्चाई अपनी कम्युनिटी को बोल देते हैं कि तुम्हारी संख्या किसी काम की नहीं अगर तुम उठ के अपना देश के साथ नहीं जुड़ोगे तो। धन्यवाद गीत जी, भारत थैंक यू सर, थैंक यू। आपने एक अलग पहलू को छुआ है कि संख्या बल नहीं बल्कि दूर दृष्टि आपका सहयोग बल भी उतना ही जरूरी है। निरंतर कुछ और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी वालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सर जल्दी से बात रखिएगा क्योंकि कुछ और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो मिनट खत्म कर दूं, मैं इतना नहीं रहूंगा बिल्कुल जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अबादे साहब कह रहे हैं माइनॉरिटी मुस्लिम को साथ लेना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। देखो जो बाबा है बागेश्वरी जो यंग है उनके लाखों उनके सुनने वाले आते हैं, उनकी पीछे स्टेटमेंट थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपके शो में दो हफ्ते पहले एक लेडी बीजेपी की आई थी, कहती हिंदुस्तान इसका नाम है, हिंदू हम बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाकी जो लोग होंगे हमारे नीचे रहेंगे। बाकी ऐसी सोच अगर रखोगे कैसे माइनॉरिटी को कैसे आप साथ लोगे, माइनॉरिटी को साथ लेना पड़े चलेगा। क्योंकि महाराणी जी का राज देखो, महाराणी जी के टाइम पे सारे लोग साथ साथ खुश रहते थे, 40 साल उन्होंने राज किया है, मंदिर उन्होंने एक हिंदू के लिए दो मंदिर, हिंदुओं के दो मंदिर बनाए हैं और उसके साथ उसके स्कूल बनाए हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद बनाई है, उनके साथ उनके स्कूल बनाए हैं। ऐसे ऐसे सबको साथ लेकर चलोगे तो कंट्री का बहुत आगे निकल जाएगी, बहुत आगे तरक्की करेगी, मेरा यही कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि समय जो है अभी थोड़ी और हमें इजाजत देता तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाते, क्योंकि हमारे पास सर और 2 मिनट हैं। उपाध्याय जी मैं सिर्फ आपसे आखिरी टेक लूंगी, आप जल्दी से सर अपनी बात समअप कीजिएगा आज के इस विषय को लेकर कि आगे सिचुएशन को किस तरीके से संभाला जा सकता है। एक तो आपने बात कह दी कि बीजेपी काम करेगी तो बाकी विपक्षी पार्टियां भी करेंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारे कॉलर ने कहा कि सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि आपकी जो दूर दृष्टि है, आपका जो एक सहयोग है उसकी भी बहुत जरूरत है कंट्री को। देखिए बहुत बड़ी बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि सिर्फ संख्या बल से नहीं जुड़ा, उन्होंने कनाडा का उदाहरण भी दिया कि भी वहां पंजाबी समुदाय एक्चुअल में बहुत बहुसंख्यक है लेकिन उसके बावजूद वहां भी सम्मान नहीं है और पंजाब में भी सम्मान नहीं है। तो देखिए जुड़ाव एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सहयोग और जुड़ाव किसी भी देश के में जहां आप रहते हैं उसके साथ जुड़ाव, उसके साथ सहयोग। हाँ ये बात मानी जाएगी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो उतना मजबूती के साथ जुड़ा नहीं, उसका जुड़ाव दिखा नहीं, वो विरोध में खड़ा रहा कि भी हम तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। तो इस तरह की अलगाववादी जो सोच है वो जैसे उन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की तरफ देखना बंद करें, यानी पाकिस्तान की टीम अगर क्रिकेट में देखा हुआ जीत जाती थी तो जश्न भारत में मनाया जाता, उतना जश्न पाकिस्तान में नहीं होता था जी, तो जी। वो कुछ कारण रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं और बदला प्रकृति का नियम है जी। अगर वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा। ओके, आगे बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल आसान भी तू इस बात से पॉजिटिव सोचता हूं कि जब वो दौर नहीं है तो ये दौर भी नहीं रहेगा और आगे ठीक सर भाईचारा कितनी भी कोशिश की जाए वो खत्म नहीं हो सकता। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की पहचान है जी, इसे कोई छीन नहीं सकता। और संविधान और संवैधानिक संस्थाएं, संविधान में बखूबी इन सब चीजों का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है जी। दिक्कत वहां आती है जब हम अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं, सहयोग की बात नहीं करते। जहां अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार समय कम है, वहां उसके देश के प्रति कर्तव्य भी है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, कर्तव्य को समाज बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आगे बढ़ेंगे समय तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को छुआ और हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने हमें कॉल किया है, भास्कर जी भी हमें लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सर मैं खेद प्रकट करूंगी कि एक समय जो है वो कह रहा है कि आप इजाजत ले लीजिए आप सभी से, तो कल एक नए विषय के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होंगी, तो जरूर देखिएगा उस एपिसोड को और अपनी भागीदारी हमारे साथ रखिएगा। आज के इस एपिसोड को लेकर geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपने जो विचार हैं, अपना जो फीडबैक है हमें जरूर भेजिएगा, इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। तो इसी के साथ इजाजत और जासिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून जासिंदी, नमस्कार।